बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं काहिरा से 1.5 घंटे के फासले पर इस्माइलिया मौजूद हूँ। मेरे साथ अलखिदमत यूरोप के CEO डॉक्टर हामिद फारूक मौजूद हैं, हमारे यहाँ लोकल कोऑर्डिनेटर जो फ़लस्तीनी डॉक्टर उस्मान आगा मौजूद हैं, मेरे साथ हमारे जो कि पाकिस्तानी कोऑर्डिनेटर हाफिज़ अवैस मौजूद है, और बुनियादी तौर पर हम अलखिदमत फाउंडेशन और उसकी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो रिलीफ एक्टिविटीज़ है उसका जायज़ा लेने के लिए और अपनी मुहिम को तेज़ करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। एक बहुत बड़े वेयर हाउस में मौजूद हैं जहाँ इस वक्त दर्जनों ट्रक मौजूद हैं। तुर्की की जो है कि बड़ी तंजीमात जो है वो इसको ऑपरेट कर रही हैं, अलखिदमत फाउंडेशन, अलखिदमत USA, आगोश UK, आगोश यूरोप, अलखिदमत यूरोप के ज़रिए से हम यहाँ से अद्वियात और दीगर जो है कि फूड पैकेज और रमज़ान पैकेज जो है कि यहाँ से हम तैयार कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों के अंदर हम लगभग 1000 टन सामान इंशाल्लाह ताला यहाँ भेजेंगे और यहीं से इंशाल्लाह ताला रवाना किया जाएगा। यहाँ से गजा सिर्फ 2 घंटे के फासले पर है। हम उन तमाम अपने डोनर्स के, उन तमाम चलने वाले अफराद, इदारों, ख़वातीन हज़रात के बेहद ममनून हैं कि जिन्होंने अलखिदमत के ऊपर अपने एतमाद का इजहार किया, और इंशाल्लाह पूरे तरीके से हम इस सरगर्मी को जारी उसारी रखेंगे आने वाले दिनों में। इस वक्त जो है कि 1000 टन सामान जो है कि अंदर भिजवाया जा चुका है। हमारी कोशिश है कि अंदर से भी जो है कि इन इदारों और इन इदारों के साथ ताबुन करने वाले अफराद तक वो फुटेजेस पहुँचे कि उनका दिया हुआ सामान जो है एक तो रज़ाए इलाही का सबब बन रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो है कि वो मुस्तहिकीन तक, ज़रूरतमंदों तक जो है कि बराह रास्त पहुँच रहा है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस पूरी काविश को कबूल फरमाए और हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों की मदद कर सकें आने वाले दिनों के अंदर। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।